हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैस्टर डी आई और ईयर ड्रॉप्स के बारे में। ये जो कैस्टर डी ड्रॉप्स हैं, ये किन कंडीशन में यूज़ की जाती है, इस ड्रॉप्स के क्या यूज़, क्या डोज और इसमें जो कंटेंट पाया गया है वो क्या वर्क करता है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जो कैस्टर डी आई और ईयर ड्रॉप्स है, इसको ली फूड कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है जी। आपको 10 ml में मिल जाएगी और इसमें जो इसके प्राइस की बात करें तो जी आपको मार्केट में 35 rupees में मिलेगी। और इसमें कंटेंट की बात करें तो ये कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। इसमें जो फर्स्ट कंटेंट सिफ्रोफ्लॉक्सासिन पाया गया है और सेकेंड डेक्सामेथासोन पाया गया है। और दोस्तों, इनके ब्रांड नेम की बात करें तो जैसे जी आपको मार्केट में सिप्लॉक्स डी, सेफ्लॉक्स डी, अल्सीफ्लॉक्स डी ड्रॉप्स के नेम से मिल जाएंगे। बट इसमें दोस्तों जो कंटेन है वो सेम ही रहेगा। आप किसी भी ब्रांड नेम की ये जो दवा है वो ले सकते हैं। अब जान लेते दोस्तों, इसमें जो कंटेन पाया गया है वो क्या वर्क करता है। इसमें दोस्तों जो सिप्रोफ्लॉक्सिन है, ये एक तरह का एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया की कोशिकाओं को विभाजित होने और उनकी मरम्मत करने से रोकता है, जिससे बैक्टीरिया मर जाता है और जो संक्रमण है, इन्फेक्शन है, वो जल्दी ठीक होने लगती है। और दोस्तों, इसमें जो सेकेंड डेक्सामेथासोन है, ये एक तरह का स्टीरॉयड है जो उन केमिकल मैसेंजर्स की प्रोडक्शन को ब्लॉक करता है जो आई ईयर में इचीनेस, स्वेलिंग और रेडनेस जैसे सिम्टम्स पैदा करते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों, इस ड्रॉप्स के क्या यूजेस हैं, जे किन कंडीशन में यूज़ की जाती है। दोस्तों, इसका यूज़ आँख की इन्फेक्शन में, जैसे किसी तरह से आँख में सूजन हो गई है, आँख में जलन हो रही है, खुजली हो रही है, जैसे आँख में लालिमा हो गई है या फिर दर्द और आँख से पानी बह रहा है, अगर इनमें से किसी तरह का सिम्टम्स दिखे तो उस कंडीशन में आपकी जो आँख में इन्फेक्शन हो जाती है तो उसमें जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन इसका यूज़ दोस्तों कान के इन्फेक्शन में, कान में भी जैसे अगर आपके दर्द हो रहा है या फिर कान में सूजन है, कान बह रहा है, उसमें लालिमा हो गई है या फिर खुजली, इचिंग वगैरह हो रही है, तो उसमें भी आप इसका यूज़ है वो कर सकते हैं। ओवरऑल की बात करें तो अगर आपकी कान और आँख में इन्फेक्शन हो गई है बैक्टीरिया की वजह से, तो उस कंडीशन में आप इस ड्रॉप का यूज़ डॉक्टर की एडवाइस से कर सकते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। साइड इफ़ेक्ट्स में जैसे दोस्तों जो आँख और ईयर में आपको ड्राइनेस फील हो सकती है, आपको डिस्कम्फर्ट या फिर इरीटेशन वगैरह हो सकती है ईयर में, और कई बार पेशेंट को चक्कर या फिर मतली वगैरह भी हो सकती है। अगर आपको इनमें से किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलता है तो उस कंडीशन में आप इस ड्रॉप का यूज़ करना बंद कर दें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और दोस्तों, डोज की बात करें तो वैसे तो आपने इसकी जो डोज है वो डॉक्टर की एडवाइस से ही लेनी है, बट इसकी जो नॉर्मल डोज है बच्चों में एक ड्रॉप सुबह शाम होती है और अडल्ट में जो एक ड्रॉप दिन में वो 3 बार ले सकता है। और दोस्तों, इसका यूज़ ओनली एक्सटर्नल ही यूज़ करना है और इसको बच्चे की पहुंच से दूर रखना है। अगर दोस्तों इसको यूज़ करने के बाद आपके इरिटेशन वगैरह हो रही है तो उस कंडीशन में आप इसको यूज़ करना बंद कर दें। और कभी भी इसके जो ड्रॉपर की टिप है उसको जो टच नहीं करना है, जिससे आपको और भी इन्फेक्शन हो सकती है। और दोस्तों, आपने इस ड्रॉप्स का यूज़ ओनली 1 month तक ही करना है। 1 month के बाद इस कंटेनर को यूज़ है वो ना करें। तो दोस्तों, ये तो थी कैस्टर डी आई और ईयर ड्रॉप्स के बारे में जानकारी। अगर मेरी वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, टेक केयर।